हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे साथ, यानी कि देसी ट्रेवलर संदीप तिवारी के साथ में। और ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये खूबसूरत सा झरना मुझे यहाँ पे दिखा और मैं खुद को रोक नहीं पाया। और अभी जो मैं जा रहा हूँ अभी धारी देवी तक, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा धारी देवी है। तो चलिए हमारे साथ में। अभी हम रुके हैं यहाँ सामने पे, और आप लोगों को लगता होगा कि पहाड़ों में जो है ना शहर कैसे होते हैं, तो वो होते हैं ऐसे। रुद्रप्रयाग वैसे एक संगम है और बहुत ही मस्त है। यहाँ पे ऊपर जो सामने आपको दिख रहा होगा एक पुल है, ये पुल है, और यहाँ नीचे पे एक मंदिर है, और संगम है यहाँ पे दो नदियों का, मंदाकिनी और अलकनंदा। और यहीं पे से अलकनंदा बन जाती है आगे, और मंदाकिनी उसमें समाहित हो जाती है। तो यहाँ से हम प्रसाद वगैरह पैक करते हैं और गाड़ी यहाँ पे पार्क कर लिया। एक दिन जब मैं टिहरी जा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि एक दिन हम आपको ज़रूर धारी देवी लेके जाएंगे। तो ये लीजिए, नीचे पे धारी देवी का मंदिर, और अभी हम वहीं जा रहे हैं। सुबह सुबह के टाइम पे शंख की ध्वनि बहुत ही बढ़िया लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ देखिए गाइस, कितनी शांति है भाई। धारी देवी का जो पैसे पुराना मंदिर है, वो मंदिर जो अभी जो नया बना हुआ है ये तो लिफ्ट किया हुआ है, लेकिन जो पुराना मंदिर था वो बहुत ही नीचे था और बहुत ही ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था उस टाइम पे। और अभी हम हैं सीधे इस वाले रास्ते पे जा रहे हैं अभी, और सामने ही मंदिर है। वैसे अभी शिफ्ट इधर होना है मंदिर ने, इस साइड। माता के दर्शन करने के बाद और प्रसाद पाने के बाद एक परिक्रमा लगा देते हैं माता रानी की। जय माता दी, जय माता दी। नीचे बिल्कुल ही बहुत ही गहरा हुआ है। और ठंड से ना हाथ बिल्कुल ऐसे सुन्न हो चुके हैं कि मतलब मैं अपने गिम्बल को भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ ढंग से। और ब्लॉगिंग की तो बात भी छोड़ दीजिए। इधर देखिए, यहाँ से बिल्कुल ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही ठंडी हवा। तो अभी अब मैं धारी देवी से ऊपर आ चुका हूँ, और अब चलते हैं आगे श्रीनगर। थोड़ा एक काम है उसको निपटा किया जाता है, फिर सीधे घर चले जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे आगे। मन कुछ उदास सा था तो सोचा अभी कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर लें। अंकल आंटी जो हमारे साथ हैं तो उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, तो
तो हम आगे हैं अभी कोटेश्वर महादेव और देखें कैसा है अभी मंदिर अंदर पे। बहुत टाइम से कह रहा था मैं महादेव महादेव। ये है कोटेश्वर। ये देखिए गाइज ये अलकनंदा रिवर है और यहाँ पे भंवर बन रहा है पूरा और यहाँ पे तैरना वगैरह तो अलाउड है ही नहीं क्योंकि अगर आप तैरने जाएंगे तो वहीं पे भंवर में पूरा फंस जाएंगे। हे गाइज गुड मॉर्निंग और बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं लेकिन क्या कर सकता है तो आप देख ही रहोगे तो फिर थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि कल थी सीनू की बर्थडे और उसमें जो है ना कच्चर बच्चर खा लिया और तबीयत होगी ख़राब। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।